दोस्तों, इस वीडियो में हम चिड़िया टापू बीच और मुंडा पहाड़ के बारे में जानेंगे, जो कि फेमस है ट्रैकिंग के लिए, सनसेट व्यू और बर्ड्स के लिए। ये वीडियो मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग और चिड़िया टापू को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिड़िया टापू कहाँ है, वहाँ क्या क्या विजिट कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वहाँ जाने की टाइमिंग क्या है, ताकि आप इस बर्ड्स आइलैंड की प्राइम लोकेशन को एंजॉय कर सको। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टूर से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट करें और प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, चिड़िया टापू इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन अंडमान, और अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के टूर पर आए हैं तो इस आइलैंड पर अवश्य जाएं। यू मस्ट विजिट दिस आइलैंड। इस टापू के आसपास बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी, इसीलिए इसका नाम चिड़िया टापू मीन्स बर्ड्स आइलैंड रखा गया है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर नेचर लवर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। चिड़िया टापू आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से अप्रोक्स 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आप पर्सनल व्हीकल लाइक स्कूटी, बाइक या कार से भी जा सकते हैं। टू व्हीलर से जाना यहाँ मज़ेदार होगा। लोग यहाँ शाम में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम सनसेट व्यू देखने को मिल जाता है और गर्मी भी कम रहती है। विजिटिंग के लिए बेस्ट टाइम 3 से 5 बजे है, सो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं। दोस्तों, दिस इज़ द प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर और ये सनसेट पॉइंट इस जगह को खास बनाते हैं। हेयर यू कैन कैप्चर सम अमेजिंग फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ सनसेट। ये जगह सी सेल्स के लिए भी जानी जाती है। यहाँ के साफ पानी में अलग अलग साइज की और अलग अलग टाइप की सी सेल्स देखने को मिलेगी। ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत से पेड़ है जो पानी के अंदर है। आप जाके वहाँ से फ़ोटोज़ ले सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो आती है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप कितना पेड़ पौधे अंदर जगह। ये ज़्यादा डेप्थ नहीं है, आप पानी के अंदर जा सकते हो और ये पेड़ पौधों के पास में जाके आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है चिड़िया टापू मेन बीच और मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग ट्रेल्स। दोस्तों, ये है चिड़िया टापू मेन बीच और मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग ट्रेल्स का मेन गेट। यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग ट्रेल शुरू होता है। चिड़िया टापू मेन बीच मुंडा पहाड़ के जस्ट नीचे है। यहाँ आप नहा सकते हैं और ये फोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें और समुद्री हवाओं को फील करें, जिससे आपको यहाँ सुकून मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। सच ए नाइस प्लेस। शाम के समय डूबते हुए सूर्य के शानदार नज़ारे को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। इस बीच के ख़त्म होते ही शुरू होता है मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग ट्रेल्स। दोस्तों, आपको ये ट्रेल्स पूरा करने में अप्रोक्स 40 से 45 मिनट्स लगेगा, जो कि आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। इस ट्रैकिंग पर जाने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यह रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ हाई हील्स के शूज़ ना पहन कर जाएँ। फ्लैट फुट वियर आपके लिए बेस्ट रहेगी। साथ में वाटर बोतल लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में कहीं पानी का सोर्स अवेलेबल नहीं मिलेगा। ग्रुप में जाएं, इससे आपको सिक्योर फील होगा और आप ट्रैकिंग का पूरा मजा ले सकेंगे। आपको ट्रैकिंग 3 बजे के आसपास शुरू करें, जिससे कि आप 5 बजे तक वापस बीच पर लौट सकें, क्योंकि बीच के बंद होने का टाइम 5 बजे है। वैसे तो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स का ख़तरा नहीं है, फिर भी ट्रैकिंग के टाइम थोड़ा सेफ्टी से जाएं और ट्रेल्स का मज़ा लेते रहें। फ्रेंड्स, नाउ होल्ड योर ब्रीथ और फील करें सी से आने वाली ठंडी हवाओं को और यहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट को। रियली इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुंडा पहाड़ इज ए पिकनिक स्पॉट। यहाँ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ के अमेजिंग मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है, इसीलिए इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। बट यहाँ का
इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत और एनर्जेटिक है कि यहाँ आने के बाद कोई मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके दूसरी साइड में भी सी है, जहाँ शाम के टाइम सनसेट होता दिखेगा। दोस्तों, मुंडा पहाड़ की ऊंचाई से सनसेट व्यू एक अद्भुत नज़ारा है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट अस टू नो एनीथिंग अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टूर। बी हैप्पी। See you soon. Bye-bye.